नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। सोने की शर्ट पहनने वाले पुणे के व्यापारी दत्ता फुगे की हत्या कर दी गई है। 125 करोड़ रुपए की सोने की शर्ट पहनकर चर्चा में आए दत्ता फुगे कल रात एक पार्टी से लौट रहे थे, तभी उनकी रास्ते में पत्थर और चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। हमेशा 20 बॉडीगार्ड से घिरे रहने वाले फुगे कल रात अकेले थे और माना यह जा रहा है कि हत्यारों को इस बात की भनक लग गई थी कि दत्ता फुगे अकेले हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। हमलावरों की संख्या करीब 1 दर्जन बताई जा रही है। दत्तात्रेय फुगे चिटफंड का धंधा भी करते थे और माना यह जा रहा है कि इसी धंधे की वजह से उनकी हत्या की गई होगी। दत्ता फुगे पर कई लोगों से पैसे हड़पने का भी इल्जाम है। 2012 में सोने की शर्ट बनवाकर वो सुर्खियों में आए थे और करीब 1,27,00,000 की सोने की शर्ट उन्होंने बनवाई थी। तो 125 करोड़ की उस शर्ट के साथ भी नजर आ रहे हैं आप, तस्वीरें देख सकते हैं, और कल रात इस हत्या को अंजाम दिया गया।